कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग विद उत्सव चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि कैसे बनाएं घर पर स्वस्थ मिट्टी। जैसे अभी हाउ टू रिचार्ज सॉइल, ये हमारा वीडियो आज आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी दो दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा हम बिजी थे इस वजह से वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहें कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि हमारी सॉइल है, इसमें हमने पहले गिलकी लगाई थी जिसका कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। तो अब इस सॉइल को रिचार्ज कैसे करना है फ्रेंड्स, इस ग्रो बैग की अब समझिए पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं। जैसे ये है, इसमें हमने थोड़ा सा कंपोस्ट मिला के पालक उगाया था, इसको भी हम अभी आगे सॉइल प्रिपरेशन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल में इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को हम हमेशा नहीं पलटा सकते। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा नहीं पलटा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि सॉइल को सिर्फ रिचार्ज करेंगे। फिर जब नेक्स्ट सीजन, मतलब देखिए आप, ये देखें केचुए अर्थवॉर्म्स, ये देखें आप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट सीज़न आएगा हमारा घर, ये हम लोग जब ठंड की फसल ले लेंगे, इसके बाद में जो गर्मी का सीज़न आएगा उसमें हम लोग फिर पूरा पलटा के सॉइल प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज वीडियो आप पूरा देखें। अगर हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न किचन गार्डनिंग उत्सव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आप ये देखेंगे, आप लोग पहले सॉइल की ऐसे गुड़ाई कर लें, गुड़ाई करके दो चार दिनों की धूप दिखा दे। तो फ्रेंड्स, हम तो पहले दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से बारिश हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसलिए नीम खली डालते हैं फंगस वगैरह के लिए, सिर्फ धूप बस से, क्योंकि फ्रेंड्स फंगस नहीं जा सकता है ना, इसलिए हमको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह डालना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कितने सारे कीड़ों ने पता नहीं ये बिल बिल क्या बना रखा है। तो फ्रेंड्स, बरसात में तो ये सब होता ही है बड़े कंटेनर से, इससे कोई डरने की बात नहीं है। हमारी सॉइल में तो बहुत ही सारे अर्थवॉर्म से केंचुए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सॉइल प्रिपेयर करके देखते। तो फ्रेंड्स, जो क्या होता है कि आपको, अगर आप लोग पहली बार सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका मेथड अलग होता है, पहली बार सॉइल प्रिपेयर का मेथड अलग होता है और रिचार्ज करने का अलग होता है, सब में कंपोस्ट का रेशियो अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे हमने इसकी गुड़ाई कर ली है, अब इसके बाद में इसमें क्या मटेरियल्स को ऐड करना है। कम समय में हमें ये वीडियो बनाना है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे हमारा ये गोबर खाद है, देखिए इतनी सॉइल का 30% गोबर खाद इतना होता है। तो इस गोबर खाद, बड़ी बढ़िया से एक डेढ़ साल पुराना गोबर खाद है, सड़ा गला हुआ, आप भी इसी तरह का गोबर खाद ले। देखिए जो ये ब्राउन और ब्लैक हो जाता है ना, ये अच्छा सड़ा गला हुआ रहता है। अगर थोड़ा सा कच्चा है तो कैसे पता चलेगा, वो थोड़ा लाइट येलो सा कलर, गोबर जैसे ही कलर रहेगा उसका। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना, अच्छी तरह से सड़ी गली हुई गोबर की खाद ले लें, जो भी इसमें बड़े बड़े डिगले हैं सभी को अलग कर लें। फ्रेंड्स, आपको गोबर खाद के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो डाला था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि ये हमारा गोबर खाद है, अब इसमें हमको क्या करना है, वन मिनट फ्रेंड्स, अब हमको इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ों को ऐड करना, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए हम वीडियो, आइए हम बताते हैं क्या क्या ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ले लेना है सबसे पहले इसमें कि नीम खली, नीम खली है जी। तो आप ये देखेंगे कि नीम खली का अपना रेशियो रहेगा कुछ, आप करीब एक मुट्ठी नीम खली ले लें, ठीक है, इतने गोबर खाद में इतना आपने नीम खली ले लिया। फ्रेंड्स, नीम खली से क्या है, हमारी मिट्टी में कोई भी किसी भी प्रकार का फंगस नहीं रहता है। और बोन मील, अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप नहीं लें, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए सिर्फ गोबर खाद बस से हमारी खेती हो जाती है। एक मुट्ठी के करीब हम इसमें बोन मील डाल लेंगे। बोन मील दो तरह का आने लगा है फ्रेंड्स आजकल, एक तो है वाइट वाला और एक वो ब्राउन से कलर का रहता है, नीम खली टाइप का वो। और फ्रेंड्स, एक बार हमने ये ऑर्गेनिक मिक्सचर लिया था, इसका तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगा, ये हमारे जबलपुर में ही जो लोकल शॉप्स है उनसे हमने ये लिया था। तो फ्रेंड्स, इसका तो हमको कोई भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं लगा कि इससे क्या होता है, फिर भी फ्रेंड्स हम लोग अब बचा है तो डाल लेते हैं। तो ये उनने बोल के दिया था ऑर्गेनिक पाउडर है, इससे सभी प्रकार के फल फूल बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े होते हैं, अब जो भी हो हमने तो डाल लिया है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सॉइल में पहले से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ चाय की पत्ती ले लें आप, जितनी हो आपके पास चाय की पत्ती भी, सभी चीज़ फ्रेंड्स गोबर खाद बस से भी खेती हो जाती है। अभी अभी हमने भी
ये सभी चीज़ें डालना कि सीखा है। इसके पहले हम लोग ये सब नहीं डालते थे, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग डाल लें, ये चाय की पत्ती भी डाल लें, उसके बाद में अगर आपके पास केले के छिलके का, इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें फ्रेंड्स। अगर इसके बाद में अगर आपके पास में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है सूखा हुआ, उसको भी आप इसमें मिला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स आपके पास में चूना हुआ, चूना है, राख है, सभी चीज़ मिला सकते हैं। राख है लेकिन अब वो कम बची है, वो अभी आगे टमाटर में और टमाटर के प्लांट्स में लगती है, इसलिए हमने उसको रखा है, अभी नहीं डाल रहा है इसमें। तो नीम खली या तो अगर आपके पास में ट्राइकोडर्मा है तो आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। देखिए जो भी डॉक्टर फंगस आती है वो आप डाल दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मिट्टी ये तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस ग्रो बैग में हम अभी हमारी जो गोभी की पौध तैयार हो रही है उसको हम ग्रो करने उगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि हमने गोबर खाद बढ़िया मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इस पूरे मिक्सचर को इस इतनी मिट्टी में अप्लाई कर देना है। ये देखें फ्रेंड्स, इससे आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है, मिट्टी आपका पूरा न्यूट्रिएंट्स लगा चुकी है। आगे जो पिछले हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पिछले जो भी हमारी फसल रहती है उसमें आपकी जो मिट्टी है पूरे न्यूट्रिएंट्स लगा चुकी है, इसलिए हमको इसमें ऊपर से ये कंपोस्ट ऐड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और आप इसमें अगर आपका कंटेनर ज़्यादा भरा है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग कंटेनर शुरू में खाली ज़रूर छोड़ दें। फ्रेंड्स हम आपको मिक्स करने के बाद एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद आप अच्छे से ग्रो बैग किसी भी कंटेनर में भर लें इसको इस तरह से। फ्रेंड्स अब आपको करीब जब तक आपकी फसल में फ्रूटिंग नहीं होती है तब तक आपको कोई भी चीज़ उगाने के बाद में कंपोस्ट नहीं ऐड करनी पड़ेगी, आप मिट्टी में ज़्यादा ध्यान दें। अब फ्रेंड्स अभी तो हमारी मिट्टी बारिशों की वजह से गीली है, इसलिए हम इसमें और कुछ नहीं मिला रहे ऊपर से, नहीं तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दे सकते हैं मिट्टी की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अब आप इसमें बायो एंजाइम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। बायो एंजाइम्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी सॉइल की गुणवत्ता अच्छी रहे। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था सॉइल प्रिपरेशन के ऊपर। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जो भी आपके गार्डनर फ्रेंड हैं सभी लोग भी आपकी इस वीडियो को देखें, आप ये ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।